श्री राम, जय प्रभु श्री राम की। ये भरत जी का पावन धाम है जहाँ भरत जी ने 14 साल तपस्या करी थी। अपने प्रभु श्री राम के 14 वर्ष जाने के बाद अयोध्या छोड़ के प्रभु भरत जी ने यहाँ रुके थे कि मेरे प्रभु श्री राम जी जब आएंगे और यही तपोभूमि बना के, और भरत जी यही तपोभूमि बनाकर रह रहे थे। ये कुंड है जहाँ भरत जी ने जो है स्नान करते थे। 14 साल इसी कुंड में स्नान किए हैं भरत जी, और इसमें स्नान करने का बहुत महत्वपूर्ण फल है। किसी प्रभु श्री राम जी आए थे और भरत भैया से यही मिले थे। ये पावन नगरी उन्हीं की है, भरत जी की तपोभूमि है। और वो गया बेदी है जो अपने पूर्वजों को पुजाते हैं तो पिंडदान देते हैं। जो सीता मैया ने यहाँ अपने राजा दशरथ को पिंडा दिया था, तो पहला पिंडा हमारा यहीं पड़ता है गया बेदी पे। और ये श्री राम भरत मिलाप मंदिर है, आगे हनुमान जानकी मंदिर है, वो हनुमान भरत मिलाप मंदिर है। और जो है 27 तीर्थ का जल है जो है, जो क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम जी के स्नान के लिए रखा गया था। और प्रभु श्री राम का रुद्राभिषेक उसी से हुआ था, तो सबसे लास्ट में है जो 27 तीर्थ का जल है। और ये भरत जी की ही पावन नगरी है जहाँ भरत जी ने तपोभूमि बनाकर और तपस्या कर रहे थे अपने भाई के वियोग में, और यहीं से अयोध्या का राजकाज चलाते थे। श्री राम जानकी मंदिर है जहाँ प्रभु राम के दरबार हैं, जहाँ सीता मैया हैं और हनुमान जी हैं, भरत जी हैं। यहाँ पे जो है राम दरबार है, बड़ा दिव्य झांकी है, बड़ा दिव्य दर्शन है यहाँ का। बहुत प्राचीन मंदिर है, राम जानकी मंदिर है ये। पहले तो बहुत कम था, अब तो जब से प्रभु रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ, प्रभु राम जी अयोध्या में विराजमान हुए, तब से यहाँ पे देश विदेश यात्री आ रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। और बहुत भव्य दर्शन होता है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे लोगों की, और जितने यात्री आते हैं सब बहुत प्रेम से आते हैं और भगवान श्री राम का और भरत जी का दर्शन करते हैं। और ये श्री राम जी की और भरत जी की नगरी है।